हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है कि यूनिवर्सिटी को या फिर अपने कॉलेज को मेल कैसे डालनी है जिन लोगों की I-20 नहीं आ रही है। I-20 नहीं आ रही है, किसी की एक महीना हो गया है, किसी को 2 महीने हो गए हैं, किसी को 4-4 महीने भी हो गए हैं जिनकी I-20 आई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली, तो और आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो ये है मेरी गैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मोस्टली अगर मैं कॉलेज के रिलेटेड या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर कोई और डाटा जो रिप्रेजेंट करना हो तो मैं गैनन के ऊपर ही करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ से मैंने कोर्सेज के थ्रू, मेरा कोर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे MBA में तो क्या है कि पहले तो ये वाली है मेल। ठीक है, जो आपने ने इस तरीके की आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी ना, आप अपना कोर्स कोर्स में जाके कोर्स अपना देख लो, कहाँ पे आपका कोर्स है वहाँ पे कोर्स के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उन्हें कॉल भी कर सकते हो, ये टोल फ्री नंबर है, इसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये ईमेल आईडी है। मैं ईमेल में क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू। ये है प्रोग्राम, इसके प्रोग्राम के बारे में सारे का सारा ओवरव्यू यहाँ पे दिया होता है हर एक की, जो भी बंदा जो भी जिसकी भी वेबसाइट है कॉलेज की, वो बंदा देख सकता है उसके कॉलेज ने उसके कोर्स के अकॉर्डिंग सारे का सारा ओवरव्यू लिखा होता है कि क्या है कोर्स के अंदर। ये आप पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है और इसमें से ही आपने आंसर निकालना है कि वाई MBA और वाई दिस कॉलेज। ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी। और उसके बाद ये कोई प्रोफेसर का आप नाम बता सकते हो, डायरेक्टर का आपने नाम बता सकते हो। ठीक है, तो ये बंदे का नाम भी है आप बता सकते हो। ये ईमेल आईडी आपकी I-20 के ऊपर भी लगी पड़ी होगी। ठीक है, आप डायरेक्ट इन्हें भी सेंड कर सकते हो मेल। ठीक है, तो उसके बाद आपके जो कोर्स हैं जे वाले ना, 6 रिक्वायर्ड जो मेन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपके भी इस तरीके से ही हो गए, जो मेन सब्जेक्ट्स हो गए जिनके अंदर पूरे का पूरा कोर्स आपका घूमेगा। जैसे अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप्स हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, जैसे ये मेरे 5-6 मेन कोर्स हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ही मेरी स्टडी होगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्रेडिट्स बताता हूँ ना आपको। तो ये वाले देखो, टोटल क्रेडिट्स है, क्रेडिट्स मतलब कि हर एक सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, तो ये भी लिखा होता है आपकी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपका कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके कितने क्रेडिट्स हैं, कौन से क्रेडिट्स हैं, आप ये वाले सारे के सारे सब्जेक्ट्स को निगाह मार सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे प्रोफेसर्स देख लो कि कौन से प्रोफेसर है और क्या ये पढ़ाते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये आगे इसका ही पेज खुलेगा, इस प्रोफेसर का पेज खुलेगा, ऐसे ही इसका खुलेगा। तो मैंने यहाँ से एक नाम बंदे का, मैंने इजीली था उसका नाम ये वाला विलियम मैकेंड्रू, ये मुझे बोलने में आसान है, उसके अकॉर्डिंग उसी तरह आप भी देख लो आपको कौन सा बंदे का नाम बोलने में आसान है। ठीक है, और ये बंदा प्रोफेसर है तो क्या क्या पढ़ा रहा है, ये फिनांस पढ़ाएगा, इकोनॉमिक एनालिटिक्स कराएगा। ठीक है, उसके एनालिसिस बताएगा ये वाला बंदा, तो इसकी प्रोफाइल भी पढ़ लो। ठीक है, इस तरह की जेकर एक आधा कोई और प्रोफेसर है उसके बारे में भी देख लो। ठीक है, तो ओवरव्यू यहाँ से गेन की आपको न्यूज़ भी पता चल जाएगा क्यों ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉलेज ही क्यों डिफरेंट है ये, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इस तरीके की ये करवाते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। दूसरा क्या है कि अभी मैंने बताना है आपको कि मेल के बारे में, कि मेल में क्या लिखना है। मेल में लिखना है आपने, ठीक है, सब्जेक्ट बनाना है कि हमें अपना स्टेटस चाहिए I-20 का। ठीक है, स्टूडेंट आईडी अभी तक आपकी है नहीं, सेविज आईडी अभी तक है नहीं, आपने मेल में अटैच करना है अपने पासपोर्ट की कॉपी, क्योंकि उससे ही आपके बारे में उन्हें पता चलेगा। ठीक है, तो
पहले क्या है, जब आप मेल लिखते हो, मेल लिखोगे, सब्जेक्ट लिख दिया आपने कि हाँ I-20 की वेटिंग कर रहा हूँ, जहाँ I-20 अभी तक आई नहीं है, लुकिंग फॉर I-20। इस तरीके से कोई सब्जेक्ट आपने बना दिया I-20 के रिलेटेड, फिर अपना नाम लिखो, ठीक है, और उसके बाद अपने पासपोर्ट का नंबर लिखो, ठीक है। उसके बाद आप लिखो सब्जेक्ट कि आपका कौन सा कोर्स है, जैसे ये हो गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरा हो गया, ठीक है, उसी तरह का आपका जो भी कोर्स है उसके बारे में लिखो, ठीक है। और बताओ कि कौन सा इनटेक है, जेन है, मतलब कि फॉल है, या फिर स्प्रिंग है, समर है, कौन जो भी है, ठीक है, उसके बारे में लिखो, ठीक है, उसके बारे में उन्हें बताओ। ये देखो एक आइडिया आपको यहाँ से भी हो जाएगा, फर्स्ट आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दिया, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, और सिटी, ये तो उसका हो गया, आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आपने कौन सी करनी है, आप बी आप मास्टर के लिए जा रहे हो या आपकी बैचलर है, उसके बारे में लिख दो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जैसे आप लिख दो कि हाँ मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, ये मुझे मतलब कि अभी कोई उसके बाद मुझे मेल नहीं आई कि कब मेरे को I-20 मिलेगी और अब क्या मेरी I-20 का स्टेटस है। इस तरीके की रिलेटेड सारी की सारी आप डिटेल मेल में लिख दो, ठीक है। और भूलना मत अपना पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगा देना, जरूर लगा देना, और वहाँ पे लिख देना प्लीज़ चेक अटैच्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको मेल आ जाएगी उनसे कि हाँ आपकी I-20 कब आएगी, जहाँ क्या स्टेटस है, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, हर एक यूनिवर्सिटी कॉल नंबर देती ही है अपना, और टोल फ्री नंबर भी ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के होते ही हैं। तो गाइस, जेकर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और जेकर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।